नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं जागरण.com। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या का खुलासा हो गया है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे आखिर कैसे दिल्ली पुलिस ने इस केस को ओपन किया। दरअसल रोहित की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कारगर बनी, जिसमें सामने आया कि उनकी मौत गला घोटने और दम घुटने से हुई है। एम्स के डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात को साबित किया कि रोहित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। वहीं मामले से जुड़े एक अधिकारी ने जागरण.com को बताया कि रोहित की पत्नी अपूर्वा इस पूरे मामले में कई बार झूठ बोलते हुए नजर आ रही थी। उसने रोहित के साथ अंतिम समय तक रहने को लेकर कई बार झूठ बोला। उन्होंने पहले पुलिस को बताया कि जिस दिन रोहित की मौत हुई वह उनके साथ 3 बजे तक थी, फिर उन्होंने इसी समय को 2:30 बजे बताया, फिर इस समय को उन्होंने कई बार बदला। वहीं एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रोहित की मौत 1 से 1:30 बजे के बीच हुई थी। एक अहम सबूत जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगा, जिससे अपूर्वा की मुश्किल बढ़ गई थी, वह था रोहित शेखर के कमरे के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा। इसमें वह करीब 1:25 को कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। आइए आपको बताते हैं कि रोहित के मर्डर से पहले दोनों पति पत्नी में क्या बातचीत हुई थी। मामले की जांच से जुड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि रोहित ने अपनी पत्नी अपूर्वा से कहा था कि वह उत्तराखंड में वोट डालकर 1 दिन बाद आ जाएंगे। उन्होंने कुमकुम को उनके साथ एक ही गिलास में कार के अंदर शराब पीते हुए देखा। इस बात से रोहित की पत्नी अपूर्वा चिढ़ गई थी। कुमकुम रोहित की भाभी हैं, वह उनके ममेरे भाई की पत्नी हैं। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। एक ही ग्लास में कुमकुम के साथ शराब पीने की बात पर अपूर्वा भड़क गई और गुस्से में जाकर अपने कमरे में टीवी देखने लगी। रात करीब 1 बजे जब घर के सभी सदस्य सो गए तो वह दोबारा रोहित के कमरे में गई। यहाँ दोनों में बहस हुई, लेकिन नशे में होने के कारण रोहित बिस्तर पर ही पड़े रहे। इसके बाद अपूर्वा ने रोहित का गला दबा दिया, उन्होंने नाक और मुंह भी दबाया। रोहित की मौत के होने के बाद वह घबरा गईं और 1 घंटे तक कमरे में ही बैठी रहीं। करीब 2:30 बजे वह कमरे से बाहर गईं। अगली सुबह 11 बजे रोहित की माँ उज्ज्वला ने फोन करके पूछा कि रोहित जागा है या नहीं। इस पर अपूर्वा ने बताया कि वह देर से सोए थे, अभी तक नहीं जागे हैं, लेकिन माजरा ये दूसरा ही निकला। घटना वाले दिन रोहित ने अकेले जबकि अन्य सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद रोहित की माँ उज्ज्वला रात करीब 12 बजे राजीव व कुमकुम के साथ तिलक लेन स्थित अपने घर चली गई, जबकि रोहित ऊपर सोने चले गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पेशे से वकील अपूर्वा ने 90 मिनट के दौरान अपनी पति की मौत की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान सबूत मिटाने की कोशिश भी की। पुलिस को जो बातें अपूर्वा ने बताई हैं, उससे सामने आया है कि रोहित और अपूर्वा के बीच संबंध शादी के कुछ दिन बाद ही खराब होने लगे थे, क्योंकि रोहित की शराब पीने की आदत का पता शादी के कुछ दिन बाद ही अपूर्वा को चल गया था। इसी बीच अपूर्वा ने रोहित को शराब छोड़ने को कहा, लेकिन रोहित ने उनकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे अपूर्वा को यह भी पता चल गया था कि रोहित को हृदय संबंधी बीमारी है, उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। इसके बावजूद वह नींद की गोलियां लेते हैं। वारदात के बाद उन्होंने रोहित की नाक और मुंह को भी दबाया। रोहित के मुंह और नाक से खून निकलने की यही वजह मानी जा रही है। रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का शक जाहिर किए जाने के बाद 19 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की टीम रोहित के डिफेंस कॉलोनी स्थित घर पर पहुंची, लेकिन अपूर्वा ने क्राइम ब्रांच की टीम को घर में नहीं घुसने दिया। लेकिन लोकल पुलिस ने एहतियातन 16 की शाम को ही डिफेंस कॉलोनी में रोहित के कमरे को सील कर दिया था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि मर्डर वाले दिन रोहित के भाई सिद्धार्थ और मेड नीचे थी। इसके बाद पुलिस ने घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की, जिसमें कई बयानों को क्रॉस चेक किया गया, मोबाइल कॉल डिटेल की रिकॉर्ड की जांच की गई, बिस्तर व तकिया पर मिले खून की फॉरेंसिक जांच हुई, फिंगरप्रिंट और डीएनए जांच रिपोर्ट में अपूर्वा को ही संदेह के घेरे में खड़ा किया गया। जांच में यह सामने आया कि रोहित के कमरे में चादर और तकिया पर अपूर्वा के फिंगरप्रिंट ही मिले हैं। रोहित की मां उज्ज्वला ने पुलिस को बताया कि रोहित पहली बार अपूर्वा को 2017 में लखनऊ में मिले थे, जहां उनका परिचय मैट्रिमोनियल साइट से हुआ था। उज्ज्वला ने यह भी आरोप लगाया कि अपूर्वा का परिवार मनी माइंडेड है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विवाह से पहले अपूर्वा का बॉयफ्रेंड था, उनके पिता गलत बोल रहे हैं, अपने ममेरे भाई राजीव के बेटे कार्तिक को सिद्धार्थ अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना चाहते थे, सिद्धार्थ रोहित के भाई हैं। इस बात से अपूर्वा नाखुश थी। राजीव और उनकी पत्नी ने 40 वर्ष तक एनडी तिवारी और उज्ज्वला की सेवा की है, इसलिए एनडी तिवारी उन्हें पुत्रवत मानते थे। उज्ज्वला ने यह भी आरोप लगाया कि अपूर्वा रोहित और सिद्धार्थ की प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही थी।
यह तय हो चुका था कि जून में दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे, लेकिन 15 अप्रैल की रात को रोहित का कत्ल हो गया। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस ने अपूर्वा को 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया है, जिसमें उनसे कत्ल के बारे में पूछताछ की जा रही है। आगे देखते हैं इस हाई प्रोफाइल मर्डर में क्या खुलासे होते हैं। नमस्कार।